अगर इस तरह के इनिशिएटिव्स है, अगर ज़्यादा हम लोग इसके इस पर ध्यान देंगे तो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब काम पे इतने लगे हुए हैं, इतना फोकस करते हैं दैट दे फॉरगेट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द हेल्थ. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. हम सब कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, पर हम कहते रहते हैं, हम उसके बारे में उसके ऊपर कुछ करते नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं देते. तो आई थिंक इट्स इनिशिएटिव्स एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस दैट मेक अस फोकस ऑन वेलनेस, जो हमारे लिए बहुत बेहतरीन है. यही कहना चाहता हूँ कि ये साल में एक बार हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मगर ये रोज़ प्रतिदिन आपको सेलिब्रेट करना चाहिए. प्रतिदिन आपको सुबह उठ के कम से कम एक या आधे घंटे आपको अपने आप के लिए देना चाहिए और आप पे फोकस कर लीजिए. अगर वो करेंगे तो आपका सेहत बहुत बहुत सही होगा एंड काम भी अच्छा होगा आपका. बिल्कुल जितने सारे हैं, क्योंकि सब जब काम करते हुए इतना स्ट्रेसेस है ज़िंदगी, तो वो मिटाने के लिए हेल्थ पे अगर आप ध्यान दोगे वो सबसे बेस्ट है. हम ये बार बार दोहरा सकते हैं, मगर अगर आप खुद करेंगे और महसूस करेंगे तभी तो आपको लगेगा कि ये वाकई बहुत ही अच्छा है. बॉलीवुड हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ऑलरेडी अवेयरनेस है, हर चीज़ के ऊपर अवेयरनेस है. सारी जो न्यूज़ है हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, उस पर कभी कभार ध्यान भी देते हैं, तो वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग. ऐसा ना हो कि हम सिर्फ काम पे लगे हुए और दुनिया में जो चल रही है वी डोंट नो अबाउट इट, वी नो एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, सो वी आर वेरी अवेयर. आज यहाँ पे मंत्रालय में जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है दैट इज़ रिगार्डिंग द ग्लोबल वेलनेस डे सेलिब्रेशन, और उसी के साथ एक वेलनेस इंडस्ट्री में जो बच्चे फार्मर्स के जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको स्पेशल टेक्निक देके हमने जो विशेष प्रोग्राम के लिए उनको रेडी किया है दैट इज़ कॉल्ड द वेलनेस एट वर्क प्लेस. सो ओवरऑल द इवेंट इज़ अबाउट द वेलनेस एंड वेलबींग लाइफ स्टाइल एज वेल एज द स्किल मैन पावर.